वो अलग है आगे ऊपर से टिन लगा ताकि छत सेफ हो जाए। पिछली बार आपको बता रहे थे कोई छत टिन लगा के छत सेफ हो गई थी फिर अंदर बाहर से अच्छे से मैनेज कर। जैन साहब ये पुरानी बिल्डिंग है म्यूजियम लाइब्रेरी के लिए ओम चंदनम मद्दते नित्यं पवित्रं पावनाशनम आर्दं हरते नित्यं लक्ष्मी सर्वदा विधा स्वाह स्वस्ति नः पूखा दधे सुजगमय अग्निजि हवा मनवः सुरक्षसो विषमो देवा औषागमन्नि नावन बिहारी लाल की जय हो। वनस्पति सौदुतो गंधाधव गंधोतम धूपम दीपम नाघ्यामि सर्वदेवानां अभी हाई कर लोगों के जहन में नहीं है।
ये सर रिन्यूएबल एनर्जी गैलरी है, इसमें ऐसी आत्माओं के ग्रह हैं क्लास वाले लोग हैं क्या उनके लिए तो अच्छा है। बाकी जैसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला हाइड्रोपोनिक्स है सिर्फ पानी से होगा, पानी में न्यूट्रिएंट डाल देने से पौधा ले लेता है जड़ से, मिट्टी की कोई जरूरत नहीं। और ये एक्वापोनिक्स है, एक्वापोनिक्स इज हाइड्रोपोनिक्स प्लस फिश। ओके सर, फिश का जो वेस्ट होगा ना सर वो पौधों को बहुत सूट करता है। अच्छा, तो उसको सेपरेट कर देते हैं। और इसमें क्या सिर्फ पानी है या कुछ और भी है? पानी ये बस सोख देगा, बस सोख देगा ये अपने आप सोख देगा। ये सेडर है, ये सेडर है, इसलिए मतलब प्रोडक्शन तो हम लोग वही जोड़ देते हैं,
बट डिस्ट्रॉय करने के लिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा चीजों को। तो इसमें क्या वाटर मैंने क्या पेपर का शेडर या और कुछ? ये जैसे सर नारियल का जहाज होता है जबलपुर में एक है जो कि एक कीड़ा देता है गवर्नमेंट की बॉडी है वो कीड़े को अगर हम दे दें इसके फ्लॉरिंग टाइम में तो उसको खाते हैं खत्म हो जाएगा सर। हमने बात किया था वो फोन उठाया नहीं उन्होंने। अच्छा फिट रहेगा खरपतवार में एयर एक्ट है अच्छा एयर एक्ट सर 81 में बना था। ओके इस एक्ट की जानकारी दी सर प्रदूषण निवारण नियंत्रण वाटर एक्ट भी है सर एयर एक्ट भी है ये मैंने देखा नहीं था। एक चार जो श्लोक है जो कभी नहीं देखा अपना लिखा हुआ है।
वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है मसालों के साथ लिंक किया हुआ है, मसाले मिलाते हैं जो फ्लाई है सर
जहाँ भी ऐसे ग्रीन वेस्ट की स्मेल मिलेगी आएगी वहाँ पे अंडे दे देगी और उस अंडे से चार पाँच दिन में लार्वा बन जाएगा और लार्वा इतना उसको खा के और ये ब्लैक सुगर फ्लाई होता है ये इन्फेक्शियस भी नहीं है जबकि हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई दोनों इन्फेक्शियस होते हैं क्योंकि इनके जो हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई है उनके पैरों में से वो रोए टाइप होते हैं तो रोओं में वो लेके जाते हैं कीटाणु को इनके पैर पे कोई रो नहीं होता और ये फ्लाई फ्रेंडली होती है ये वाली ये बैठे हैं हाउस फ्लाई ये फ्रेंडली है इसकी पूरी जिंदगी ही मतलब एडल्ट स्टेज है चार या पाँच दिन ये जिंदा रहता है अच्छा इसका काम ही असल ये प्यूपा से फ्लाई स्टेज इसने मेट किया अंडे दिए खत्म तो नेचर का देखिए जो इसका यूजफुल स्टेज है वो सबसे लंबा है एक्चुअली ये बनाया गया है कि भैया आपको जस्ट इसको मौका देना है कि लेटर वर्क और इसका जो स्मेल आता है ये काम करती है तो इसकी स्मेल से बाकी फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई कोई नजदीक नहीं आती थोड़ा सा खटास वाली स्मेल होती है छब्बीस जनवरी को ये सर कहते हैं
ये यूनिक चीज है, बिल्कुल ही यूनिक चीज है। ये लोकल लोग हैं, ये पूरे यहाँ के लोकल रुसियाते के एक्स रिटायर्ड वो आस पास आए हैं। ये वाला वीडियो जो मैंने देखा था ड्रोन से जो लिया हुआ बाढ़ के समय वाला, वो सच में मतलब सच में अच्छा है। ये फोटो जो आपकी नीचे वाली थी कही है सर, ये उस समय पानी भी काफी था, करेंट भी काफी था, टिक गया पूरी तरह टिक गया वो एकदम, और वो मैंने टिकना मुश्किल था। संजीव जी ने बनाया था, अच्छा ये वीडियो ना आप देखा मैंने, बहुत बढ़िया। वो उससे पूरी पिक्चर मिल जाती है कि कितना डिफिकल्ट था वो ऊपर वाली भी जो फोटो है वो वीडियो से, और जबरदस्त है वो उस समय। अब तो और इसको आप इधर कर दिए ना, इधर भी प्लांटेशन कर दिए इसके इधर। हाँ सर, यहाँ पूरा, यहाँ पे पूरा हो गया सर, इससे ज्यादा एरिया है। ये अतुल एग्रीमेंट की टीम आई थी सर, उन्होंने वॉक किया था, अब ये साइकिल से कर रहे हैं इस बार। अच्छा, मार्च में ही आएंगे सर। ओके, तो ये मतलब सियाचिन से कुछ चाहते थे। अच्छा, पार्टिसिपेशन या वो मैंने कितना बड़ा एटलीस्ट पटना से यहाँ तक। हाँ वो तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पटना से यहाँ में तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसमें अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स वगैरह हम लोग डाल के। हाँ बिल्कुल, लोग बिल्कुल करते, इसमें क्या दिक्कत है। एक दिन होगा सर, एक दिन 90 किलोमीटर का होगा। हाँ, पटना से चल के हम लोग यहाँ मुखावा उनको महसूस मिलेगा। हाँ, उनको दिक्कत ही नहीं। जय साहब, सभी लोग बायोगैस सर, इनका जो किचन था उसमें बायोगैस का कनेक्शन। ये इलाका है, ये भी आंवला वन करके प्लान किया है। हाँ, बिहार का जो दिवस होता है ना। हाँ, बिहार 22 अप्रैल 22 मार्च। अच्छा, अर्थ बिहार जिस दिन इसको, जिसमें आंवला तो उतना ज़्यादा आया नहीं, छाया पड़ा तो आंवले को फिर उधर ट्रांसप्लांट किया। बाकी पेड़ इसमें अच्छा धीरे धीरे कनेक्ट हो गया। ये मधुमक्खी क्या, ये मधुमक्खी क्या। अच्छा, ये पहले रखते हैं और ऐसे निकली। यील्ड कब मिलता है, साल में एक बार टाइम तो आ रहा है। अच्छा, इतनी तो छोड़ चल सकते। ये पुराना कुआं है, पहले दिखता नहीं, चार दिन काटते थक गया। साफ तो ये हो गया, पूरा कैंपस आपका साफ हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। और ये पुराने ज़माने में यही थी रेजिडेंशियल क्वार्टर, ये मैंने हेड ऑफ, ये हेड ऑफ एजुकेशन का, ये दूसरा घर रहा होगा। हाँ, ये मेस नंबर टू का रहता था, बाद में उसको मेस बना दिया। ओके, तो अभी ये मॉन्टेसरी हो गया सर। ये मतलब पुराने जो हमारे पास खंडहर टाइप थे वो सारे हमारे काम आ रहे हैं। काम आ रहे हैं। अच्छा, वो जो ग्रीन दिख रहा है वो वर्मी बिल, ये ग्रीन नेट ये पूरे यहाँ से वर्मी बिल। पहली बार मैंने देखा है, प्रॉफिटेबल मतलब फाइनेंशियल काफ़ी फायदा होता है इसका, और इसका मार्केट भी अब बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत, आप जूता उतना कुछ नहीं पहने हैं सर, सर पहन लीजिए। लेकिन यहाँ पे कैमरा होता ना, तो इसको ढका हुआ है अभी, आगे की तरफ है, और ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। इधर तो मटेरियल नहीं है, आगे की तरफ।
मतलब पुलिस की नौकरी की तारीफ तो उन्हीं लोगों ने की थी, थोड़ी बस जुड़ गई है, उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है बाद में। जब भी सर ये अंग्रेजों को बनाया तो ये घर रहा हूँ मैं, तो हुए सबकी व्यवस्था करके बाहर पानी का भी सोच, टॉयलेट वॉयलेट भी बाहर रहता होगा वो अपना दूर। चार टॉयलेट बने हुए हैं, चारों बाहर से खुलते हैं सर, वैसे तो अंदर से था लेकिन बाहर से कनेक्शन कम से कम था कि सफाई कर्मचारी आएगा साफ करके बार बार चला, तो उसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं सर। हम लोग बाहर से ही उसको कर, एक लेडीज़ के लिए बना दिया, एक जेंट्स के लिए बना दिया, एक स्टाफ के लिए बना दिया, और एक सर पहले तो टॉयलेट के डिज़ाइन जो थे, जैसे ये आंगन बना हुआ है, आंगन के फार्दर कॉर्नर में बनाते थे जो दूर से आके था, वो पुराने पुराने जो घर, अब उस तरह के तो घर बचे ही नहीं, उसका तोड़ फाड़ के लोगों ने नए घर बनाए थे उसकी जगह में, स्पेस खूब रहता था। आउटडोर को धीरे धीरे डेवलप करने के लिए, ये आपका प्रॉपर, हाँ खूब इसमें आप खूब बढ़िया बना सकते थे, उसके करस्पॉन्डिंग आप इधर कुछ भी लगा सकते, मॉडल की रखने का, हाँ जैसे बैलगाड़ी है या हल है, देखा नहीं हम नहीं देखा, पूरे विश्वास से कर सकता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप अगर पेड़ लगा दीजिए तो गेहूं और जौ का वेजिटेबल है, उनको बता दीजिए कि इसमें सलगम कौन सा है, और जो जो रेगुलर यूज वाली नहीं है नहीं पहचान पाएंगे। हमारे साथ जब हम लोग बिजनेस मतलब क्वालिफाई करके मसूरी पहुँचे, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो जिंदगी भर दिल्ली या मुंबई में रहे, वो लोग जब विलेज विजिट में गए तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि आलू का पेड़ कैसा होता है, उन्होंने आलू देखा था बट आलू का पेड़ नहीं देखा सर, या गेहूँ का पेड़ नहीं देखा, धान का पेड़ नहीं देखा। पहली बार तो गाँव ले गया था, गन्ना वन्ना देख के बड़े खुश, गन्ना जैसे जो पुराना था ना, गन्ना पेरने वाला।